क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। अच्छा, करते क्या हो? पढ़ते और पढ़ाते। पढ़ते और पढ़ाते भी हो? यस। अब माइक कैसे ले लियो? रिपोर्टिंग भी करते हो क्या? माइक आप दिए ना। हम दिए हैं माइक। हम रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं? तुम रिपोर्टिंग नहीं करते हो? अच्छा, तुम अपने पिताजी का शिकायत किए थे कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं और तुमको नहीं पढ़ाते हैं। यस। तो इस पे क्या कहना चाहते हो? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कानून उनको सजा देने के लिए तैयार है तो वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तुमको पढ़ना है? हाँ, लेकिन हमको पढ़ना है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे पिता को बने जेल में सब दिन के लिए डाल दीजिए। हमको पिता के प्रति प्यार है, लेकिन कानून के वो बंधन में भी बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। तो कानून जो कहेगी वही ना मानना पड़ेगा। हाँ। कानून गलत थोड़ा बोल रही है, शराब पीने वालों को और शराब बेचने वालों को, सभी को तो है सजा देना ही है ना। सजा देना है। यस। अच्छा, वो शराब पीते हैं इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो? हाँ, मैंने पैसा 2 दिन पर 3 दिन पर दही बिकता है, तो मैंने थोड़ा सा एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन पी लेते हैं, तो मैंने इसीलिए घर में झगड़ा होता और मैंने उतना अच्छा से हमको पढ़ाई नहीं मिल पाती। अच्छा, तुम्हारी माँ किधर है? वहाँ। बुलाओ बुलाओ माँ को, बुलाओ। आइए इधर आइए। कितने बच्चे हैं आपके? दो। और बेटी? ना। दो बेटा है। आप पति क्या करते हैं? यह सामान जारी सामान खेती मालिक जलखिन घर जी। शराब भी पीते हैं क्या? अब पिया के तो नहीं है, मतलब कोई कोई पिला दलके था। कोई कोई पिला देता हाँ। है ऐसे तो नहीं है इतना दिन से, मतलब उसको तबियत खराब रहता है ना तो नहीं पिया। तबियत खराब रहता है तो नहीं पीते हैं? हाँ, डॉक्टर मतलब माना कि का डॉक्टर माना कर दिया कि दारू चढ़े नहीं पिए इतना। सासरंग में मैंने चल गल कुन तो मैंने पी गए। अच्छा, आपको पता है कि आपका बेटा जो है पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है? पता हमें गेल इसको शराब मिलता है। अच्छा, तुम मुख्यमंत्री के रैली में कैसे घुस गए थे? हमको समाचार मिला, हम जब पढ़ करके आए हैं हाँ। तो हमको समाचार मिला कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हाँ। अपने पत्नी की पुण्य जन्मतिथि पुण्यतिथि पर हाँ। कल्याण विवाह है हाँ। उनका वाटिका में हम फोटो भी देखे हाँ। तो हम सोचे कि अब तो चल गए होंगे, अब कैसे हम बात रख सकते हैं। पिछला बार गए थे तो भाई ये बात सुने नहीं, ये तो चल गए माला डाल करके हाँ। फिर हम सोचा ऐसे चलते हैं देखते हैं क्या होता है हाँ। उसके बाद हम गए हाँ। तो हमको पता चला कि यहाँ पर था भूखिया होटल के पास हाँ। पुलिस थे हाँ। उनसे हम पूछे कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं हाँ। ग्राम, तो बोले कि हाँ जल्दी जाओ अभी पहुँचवे किए हैं हाँ। हम यहाँ से धड़फड़ते मैंने रस्सी में चली थी साइकिल कल्याण विघा तक, उसके हॉस्पिटल तक पहुँचे हाँ। वहाँ पर एक पुलिस वाले थे, उनसे हम राय लिए कि कहाँ पर गए, तो बोले कि घर गए। अब ग्राम हमको पता नहीं था हाँ। कहाँ है, तो हम वो एक आईटीआई है ना उसमें हम चले गए। उसमें हम पूछे कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ मिलेंगे अभी, तो बोले कि वो चल गए जे, एगो पुलिसकर्मी जी बोले कि चल गए। तो हम बोले कि वापस हमको समाचार मिला है कि वो अभी आईवे किए हैं हाँ। तो बोले कि नहीं नहीं आए हैं अभी, जाओ जल्दी से मिलोगे। तो बताए कि वहाँ पर उसके बाद हम समृद्धि स्थल पर पहुँचे, जहाँ पर कि उनके जो है उनके माता एवं पिता का मूर्ति था। तो जो है वहाँ पर पहुँचे और साइकिल लगा करके हम गए, तो हमको पता चला कि मध्य विद्यालय में है। वहाँ पर गए तो कुछ मैंने सहयोग किए और हमारे पंचायत के मुखिया जी भी थोड़ा मैंने सहयोग किए, तो हम पहुंचे। और जब सर आए तो हम हाथ जोड़ कर प्रणाम सर बोला, उसके बाद बोला सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, गार्जियन जो है उतना सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास उतना राशि जमा नहीं हो पाता है। तो बोले कि ठीक है तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम बोले कि निमागोल सर। अच्छा, तुम्हारे घर से मुख्यमंत्री जी का घर कितना दूर है? अगर देखा जाए तो 2 से 3 किलोमीटर हो सकता है। 2 से 3 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पर अगर देखिएगा तो नंदा विघा में एक बोर्ड हो लगा, वहाँ से लिखा हुआ है कि नहीं माथवर में लगा हुआ है कि कल्याण विघा 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर भूखिया होटल तक के हाँ। और 1 किलोमीटर यहाँ तक मान ही 3 किलोमीटर। कौन से क्लास में हो तुम? हम अभी 5 क्लास में है, 5वां में। यस। अच्छा, इतना हिम्मत हौसला कहाँ से आ जाता है तुम्हारे अंदर? इतना हिम्मत हौसला के जो है हम उनको हम देखते हैं और उनका हम भाषण सुनते हैं ना, और मान्य पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है मोदी जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी हाँ। तो वो एक लगता है उनका एक चैनल है हाँ। नाम अभी नहीं याद है, लेकिन उनका लिखा रहता है नरेंद्र मोदी हाँ। तो उन्हीं पर हम सीखते हैं कि
वो बोले हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हम बोले सर, तो हम सोचें कि लहरों का मतलब हो सकता है समुद्र, क्योंकि नौका तो समुद्र में ही न रहेगी। तो हम सोचे लहर जब आता है तो समुद्र डर जाएगी तो पार नहीं ना होगी। तो इसीलिए हम सोचे कि अच्छा एक बार फेल हो गए वहाँ पर नहीं मिल पाए, मैंने बोल करके चल गए। तो अभी मिल करके देखते हैं, उसी प्रकार से हम देख गए तो हमको समस्या का सुना गया। और उसके बाद DDC साहब जो है वो उनको बोला गया कि एडमिशन करवा दीजिए। तो वो बोले डीडी साहब, उसके बाद से तुमसे फोन करके बातचीत किए कि नहीं? नहीं अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। डरता भी नहीं है ससुरा डीडी साहब? नहीं डरेगा, माँ है ना आप। भगवान करे कि ऐसी माँ बिहार में हर जगह हो, हर गांव में हो और ऐसा बच्चा पैदा करे। अगर ऐसा बच्चा बिहार के हर जिला में एक एक हो जाए ना, सिर्फ 38 को बच्चा हो जाए ना, तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। धन्य है आप, समझी ना। और इस बच्चे का अब मतलब कि जो भी होगा वो सारा व्यवस्था किया जाएगा, और जैसे होगा सारा व्यवस्था किया जाएगा। चलो बाबू तुम्हारे घर चलते हैं और चल के जो है वहाँ पे बातचीत करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बाकी तुम बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम बिहार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो hey, कितना साल उम्र हो गया तुम्हारा? 11 साल की उम्र में बिहार के लोगों को संदेश दोगे? उस संदेश हम इसलिए दे रहे हैं उनके भलाई के लिए, हम दे रहे हैं अपने भलाई के लिए दे रहे हैं। हम उन लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शराब को छोड़िए और पानी पीजिए और बच्चों को पढ़ाइए और सरकारी स्कूल पर जो गलत काम हो रहा है उसको रोकिए। क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब तरह से सही हैं, उनको में कोई गलत नहीं है, लेकिन अब नीचे का अधिकारी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप सच में ईमानदार हैं, ये बात सच है, ये कन्फर्म है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदार है, लेकिन आपके सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट है, लगभग 90% भ्रष्ट है, तो सारे के सारे है, और इस वजह से इन सारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता है। और कहीं नहीं तो कहीं धन्य है वो माता पिता जो जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है और जिसके वजह से कुछ तो सुधार हो ही जाएगा। चलो संदेश पूरा करो। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि कृपया शराब मत पिए और शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। और टैक्स हमेशा, जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, कितना को हम देखते हैं समाचार, हम सुने हैं कि टैक्स में घपला कर, टैक्स में अथी मत करिए, क्योंकि टैक्स सरकार का हक होता है और टैक्स नहीं भरिएगा तो हमारे देश में और राज्य में जो विकास होती है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यूपी में दारू चालू है, सारे राज्यों में दारू चालू है, तो दारू से टैक्स आता है और टैक्स से जो है दारू से भी विकास होता है, पता है तुमको? दारू से विकास होता है, हम मानते हैं कि सरकार ही दारू को चलाई, लेकिन सरकार ये गलत की, क्योंकि हजारों आदमी के जो है लीवर खराब होते, किडनी खराब होते, केवल दारू और ताड़ी की वजह से। तो दारू और ताड़ी पूरे देश में बंद होना चाहिए? हाँ पूरे देश में बंद होना चाहिए, कहीं भी चालू नहीं रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी से कहो, नरेंद्र मोदी वो एक बार मिलेंगे तो ना, अब हम यहाँ से मोदी जी आपको जिस दिन मिलेगा उस दिन ही अपना कंप्लेन करेगा आपसे। हम यहाँ से उनको संदेश दे देते हैं कि आप पूरे देश में शराबबंदी और शिक्षा पर पूर्ण कड़ाई का जो कानून है उसको और दुगुना करके लागू कर दीजिए, ताकि दुगुना करके लागू कर दे। तो तुम कह रहा है कि पापा जी जेलों में जाने चाहिए और कुछ दिन में निकलियो जाने चाहिए? नहीं, तो दुगुना कड़ाई हो जाएगा तो तुम्हारे पापा तो हमेशा जेल में रह जाएंगे। तब वो कानून जानेंगे ना, कानून जानेंगे। सबसे ज्यादा शराब के कारो धंधेबाजियों पर मारिए, और शराब के जो है पीते हैं उनको आप सिविल ड्रेस में रहिए और उनको से पकड़ करके पता लीजिए कि शराब, अरे भाई आप लोग वर्दी का अथी नहीं करिए, आप लोग एक दिमाग से काम लीजिए। वर्दी एक कुछ काम का है, लेकिन वर्दी पहन करके नहीं आइए। जब कुछ पकड़ने आते हैं तो वर्दी पहन कर नहीं आइए, सिविल ड्रेस में आइए। पकड़ने नहीं आते होंगे, पैसा वसूलने आते होंगे तब? नहीं पैसा, हाँ लेकिन पैसा कोई नहीं लेंगे, जुर्माना जो रहता है वो कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ शराब धंधेबाजी जो रहते हैं उनके परिवार में भाई वो अपने मन से चलते हैं और परिवार को उसमें दिक्कत होती है और वो पैसा नहीं जुटा पाते हैं तो गलत काम करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है तुम्हारा कि शराब सब कोई छोड़ दे, पूरे देश में शराब बंद हो जाए और सारा अधिकारी ईमानदार हो जाए। हाँ सारा अधिकारी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि
आप लोग सबको संदेश दे रहे हो, सुधार दीजिएगा तो समझ लीजिए, आप अगर सुधर गए तो समझ लीजिए हमारा पूरा देश सुधर गया। अधिकारी और आईपीएस और आईएएस जो सुधर गए समझ लीजिए हमारा पूरा देश विकास कहां से दिमाग लेके आया। इतना ताली बजाइए इसके लिए, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब बातें तुमको किसी ने सिखाया है कि तुम ऐसे ही सीख गए हो? किसी ने नहीं सिखाया, हम अपना जो है मेमोरी के जो रहता है ना। किधर है मेमोरी तुम्हारा? मेमोरी हमारा अभी दिमाग यहाँ है ये और जो कि हम देखते हैं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का हम भाषण कभी कभी सुनते हैं अथी पर क्या कहता उसको मोबाइल पर, तो हम देखते हैं। मोबाइल है तुम्हारे पास? हाँ पापा लिए हैं। पापा लिए हैं? तो हम ये वो हमेशा उनको देखते बोलते सुनते हैं कि शराब बंद कर दीजिए, शराब से हमको ये पर, और हम सर्च मारे हैं कि शराब से क्या क्या जो है मैंने अच्छी होता है, बीमारी होती है क्या क्या बीमारी, तो उसमें बताया गया कि लीवर खराब होता, मैंने उतना कुछ नहीं याद है अभी, लेकिन लीवर खराब होता है और जो है मैंने किडनी का जो है हानिकारक, किडनी का वो हानिकारक है और शराब से नशा जो होता है उससे हमारे समाज में भी बुराइयां फैलती है। चलिए ठीक है, इस बच्चे के लिए आप लोग क्या कहेंगे? यही वो बच्चा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के सवाल किया और बोला कि मुझे पढ़ने का अधिकार है, आप मुझे ये अधिकार दें, और इसको यह अधिकार मिलेगा। जय हिंद।